हरिद्वार में धर्म संसद की एक कोर कमेटी बनी थी। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे इस धर्म संसद ने हिंदू समाज की पीड़ा को ले आया है, अमेरिका से लेकर के इजिप्ट, पाकिस्तान और तमाम अन्य जो देश हैं उसमें सम्मिलित हुए हैं। प्रयाग में हर माघ में मेला लगता है, उस मेले में संतों का सम्मेलन होता है। इस बार धर्म संसद संचालन समिति ने इस जो संत सम्मेलन है उसका आयोजन किया है। तमाम मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर और जगतगुरु शंकराचार्य इसमें सम्मिलित हुए हैं। और एक धर्मादेश हुआ है कि भारत की 125 करोड़ जो हिंदू जनता है वह स्वयं घोषित करती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और आज से वो लिखना शुरू करे। जब लिखना शुरू करेंगे तो ये आंदोलन बड़ा होगा, और अंत में सरकार हमेशा जन दबाव के आगे झुकती है, क्योंकि लक्ष्य धर्म संसद का भारत को हिंदू राष्ट्र और जिहाद से मुक्ति है। उसी अभियान को आज हम लोगों ने इस धर्म सभा के माध्यम से, संत सभा के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। 3 प्रस्तावों में कि भारत हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह निर्देश दिया गया, धर्मादेश दिया गया कि उस तत्काल जो संवैधानिक भूल थी, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और जो धर्मांतरण कानून है उसको और कड़ा किया जाए। धर्मांतरित करने वाले व्यक्ति के ऊपर फांसी की सज़ा उसको दिया जाए। और तीसरा, जो हमारे जेल में बंद 2 धर्मयोद्धा हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं, और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा, मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जाहिर रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। धर्म सम्मेलन में कौन कौन संत शामिल हुए हैं, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये देश प्रशासन के बाप का नहीं है, और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचार्य इस देश को दिशा देते रहे, चलाते रहे, और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो। लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे, और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं, ये धर्म संत सम्मेलन नहीं होगा, नहीं होगा, वह निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। लेकिन हम लोग, चूंकि हमने कहा कि धर्म संसद होगी, संत सम्मेलन होगा, तो हमने किया। हमने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से बनाएंगे, तो बनाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। स्वामी आनंद स्वरूप, संयोजक धर्म संसद संचालन समिति।